Across India, billions of youngsters wake up dreaming of capturing the spotlight in the T20 League. A billion dreams, but space only for a handful. The competition for every spot is at the very least extremely fierce. When I was playing, when I was growing up, there was less platforms. Now there is a lot of platforms. The biggest platform is this T20 leagues. And there are 8 teams and there are maybe 40-50 talent scout people are there to going and watching all the games, even that club games they're watching. When we are selectors, we need these scouts, these talents to give us the feedback about a talent. Then only we can start focusing about identifying and seeing the potential, whether he has the potential to go and play for Mumbai, and then think about the India prospects. Most of the league teams do have their talent scouting squads. So they do go to the interiors of state and find the talent. You look at the class, you know, the timing of the ball, the bat speed, you know, the body language, you know, you go to some academies, you watch any, you know, practice sessions also, you know, there's something special about some players. They always look special. So that's where to keep an eye on them, you know, follow them, what they're doing. And when you see in some matches where the situation comes, the team needs 50 runs and he goes and gets a brilliant 30 or 40 and wins match single-handedly. And that's where the class comes in. With so many necks jostling to get ahead, one youngster whose sheer pace has bolted him into reckoning is Kamlesh Nagarkoti. Hailing from a very modest background, his family reoriented its entire life to allow Kamlesh his best chance at making a mark in cricket. हम खुद बैट बनाते थे, बॉल बनाते थे, मतलब वो लोकल वाली बॉल होती है जो हमने एक कपड़े से बनाई थी, उस बॉल से खेलते थे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, तो वहाँ इसे मेरा इंटरेस्ट एक बढ़ गया कि यार मुझे ये स्पोर्ट्स में अच्छा करना है और ये स्पोर्ट्स में खेलना है। उसकी बॉडी ऐसी थी कि वो बहुत चटक था, तो अपने आप ही बॉल के ऊपर उसको चोट भी लग जाती, गिरता था, और उसमें मेरे को लगा कि ये क्रिकेट अच्छा खेल सकता था। फिर उसके बाद 7 साल की एज में ही मैंने एकेडमी ज्वाइन करा ली। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो भैया मेरे वो लेके गए मुझे एकेडमी में कि वो अच्छी एकेडमी है, वहाँ पे चलते हैं करके। फिर वो वहाँ से मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी। मेरे को थोड़ा क्रिकेट के बारे में नॉलेज था, तो मैंने जितना इसको देखा क्रिकेट खेलते हुए, मुझे लगा कि ये कर सकता है कुछ। इसकी फील्डिंग, इसकी बॉलिंग देख के और इसकी बैटिंग देख के मुझे लगा कि कुछ कर सकता है। तो फिर मैंने इसको इनरोल कराया। मैंने कहा कि आप प्रोफेशनली चालू करिए क्रिकेट खेलना, आप कर सकते हैं। फिर मैंने इसको अकेडमी में ज्वाइन कराया। कमलेश को जयपुर में काफ़ी सारे मैचेस खेलने के लिए इधर उधर दूसरे ग्राउंड पे जाना होता था, जो एकेडमी और उसके घर से काफ़ी डिस्टेंस पे थे। तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम फेस आने लगी कि उसको ले जाना लाना बड़ा दिक्कत का काम था। तो मैंने कमलेश के भाई विनोद से कहा कि आप एज ए हमें असिस्टेंट कोच ज्वाइन करें। उसके बाद से मैंने उसको फ्री हैंड जिम्मेदारी दी, कहीं भी किसी भी ग्राउंड पर ले जाना है उसको, कब ट्रेन पर छोड़ना है, कब स्टेडियम छोड़ना है क्या, और उसने वो रोल बखूबी निभाया। जब मुझे भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती थी क्रिकेट के इसमें रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। किसी को भी, अब आपको किसी कोई मुकाम पे पहुंचाना है तो किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो मैं उसका सपोर्टिव सिस्टम था कि हाँ, मैं आपको से सपोर्ट कर सकता हूँ, खेलना आपको है, जब आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप मुझे बताना, आपको क्रिकेट बैट चाहिए तो आप बताओ, आपको ग्लव्स चाहिए तो आप बताओ, हमें आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उस मेहनत आपको करनी है। कमलेश को यहाँ पर पहुँचाने में सारी, हमें अगर यहाँ पर बोलूँ तो सारी मेहनत मेरे बड़े लड़के विनोद की है, क्योंकि वो उसकी तरह हमेशा साई की तरह उसके पीछे रहा। जो मेन मेरा वो था कि मेरे भाई ने जो मेरे लिए किया है, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी फैमिली में कोई भी ऐसा करता होगा, क्योंकि उसने मेरे लिए सब कुछ, अपने लिए सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ मेरे पीछे गया था वो।
Kamlesh's journey so far has been fueled by the passionate sacrifices of his elder brother. He was picked last year for 3.2 crores but never got to play. Will injury affect his chances of playing this year again?